बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला और हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर आप बहुत ही मुफीद बातें सीखने जा रहे हैं और आपने देखना ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट डेफिनेट में डिफरेंस क्या है, इसके फार्मूलाज वगैरह हम इससे प्रीवियस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके 3 यूजेज पढ़ चुके हैं। यूज और यूजेज में डिफरेंस होता है। यूजेज का मतलब है व्हाई वी यूज इट, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। तो एक जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि ये ता है, थी है, प्रेजेंट डेफिनेट में रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये एक्चुअल उर्दू में निशानी बताई जाती है, लेकिन कई जगह ता है, थी भी इसकी सेटिंग में आ जाती है, इसलिए आपने उर्दू वर्शन पे नहीं जाना, आपने इसकी रीजन ढूंढनी है तो यूजेज पे आए, इस पर गौर करें, इसको समझें, इसको अप्लाई करें और अपने टेस्ट रूम रीडिंग के दौरान इस पर गौर किया जाए। दिस टेल्स अबाउट द यूजेज नंबर 4। दिस टेल्स अबाउट द फ्यूचर प्लान विद एडवर्ब लाइक नेक्स्ट टाइम, टुमारो, टुडे, आफ्टर फाइव मिनट्स, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टाइम एटसेट्रा। एक्चुअली प्रेजेंट इनडेफिनेट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जस्ट लुक द डिफरेंट, डिसाइडेड फ्यूचर, अनडिसाइडेड फ्यूचर। व्हाट इज डिसाइडेड फ्यूचर, व्हाट इज अनडिसाइडेड फ्यूचर? डिसाइडेड फ्यूचर मीन जो काम आप करने लगे हो, पक्की बात आप करोगे तो फिर आप फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्यूचर को शो करेगा, एस्पेक्ट कहलाएगा। यानी एक अगर टेंस एंड एस्पेक्ट, ये टेंस का एस्पेक्ट है, इसको एक्सपेक्ट कहते हैं। दोबारा सुन लें कि अगर आप अनडिसाइडेड फ्यूचर होगा तो आप यूज करोगे फ्यूचर इनडेफिनेटनेस, और अगर डिसाइडेड फ्यूचर होगा तो आप यूज करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल डेफिनेट बात है कि हम 2 घंटे के बाद खाना खाएंगे तो हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू ईट लंच आफ्टर 2 आवर्स। एक एग्जाम्पल आप देखें, प्राइम मिनिस्टर इज लीविंग फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। अब ये डिसाइडेड फ्यूचर था कि उसने अगले वीक में जाना है। अगर होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर चाइना जाएंगे और डिसाइडेड ना होता तो फिर हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते, हम इसको फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस में बताते हैं। तो डिसाइडेड फ्यूचर जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूजेज है और अनडिसाइडेड फ्यूचर जो है वो फ्यूचर एंड डेफिनेट का यूजेज है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। और यूजेज नंबर 5, परसिस्टेंट एक्शन। देखिए ना, हालांकि प्रेजेंट डेफिनेट कंसिस्टेंट एक्शन की बात है, परसिस्टेंट एक्शन जो वो होते रहते हो, जैसे कि आप देखें जमीन सूरज की गिर्द घूमती रहती है, जब से दुनिया बनी है घूम रही है, जब से हम पैदा हुए हमारा दिल धड़क रहा है और धड़कता रहेगा टिल डेथ। तो ये वो एक्शन है जो कि कंटिन्यू फॉर्म में रहते हैं। ही इज ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस, वो हमेशा ही फजूल की बातें करता रहता है। अब ये नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पर उर्दू की जो निशानी है रहा है, रही है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में ता है, ती है, ते है, उसके साथ रहा है, रही है, रहे भी है। आमतौर पर हम प्रेजेंट डेफिनेट के साथ इसको रिलेट कर देते हैं। तो ये टॉकिंग नॉनसेंस, यू आर ऑलवेज, तुम हमेशा उस पर तंकीद ही करते रहते हो। यू आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग, तो विद एडवर्ब ऑलवेज के साथ परसिस्टेंट एक्शन है। और यू आर ऑलवेज, दे आर ऑलवेज इंसल्टिंग द पुअर, वो हमेशा गरीबों की बेइज्जती करते रहते हैं। अब ये तो नहीं है वो कर रहे हैं, ये तो उनकी हैबिट है। अब नहीं कहते वो तो भाई हमेशा से झूठ ही बोल रहा है, ऐसे कह रहे हैं आप उर्दू में से, ही इज ऑलवेज टेलिंग अ लाइ। अब इसका यूजेज नंबर 6, व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ द एक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग वन, और इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा जोर लगेगा। अब एक्शन से हमारी मुराद ये है, इसमें इवन के जैसे थियरी ऑफ रिलेटिविटी है ना आइंस्टाइन की, वो सामने रखनी पड़ेगी तो हमें समझ आएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको
मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ कि जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, अब हमने 5 मिनट पहले शुरू की और 2 मिनट बाद ये ख़त्म हो जाएगी, तो अब हम बात करें तो ये है मिडल ऑफ द एक्शन। अब मिडल ऑफ एक्शन से ये मुराद नहीं है, फर्ज करो आपका एक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ उसकी एंडिंग होनी है। अगर वो यहाँ बात करेगा, दूसरा एक्शन इंटरप्ट कर गया, मतलब एक एक्शन तो हो रहा है बोलने का, मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कोई और अमल आ जाता है, जैसे लाइट चली जाती है या कोई आ जाता है, तो या कोई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दुरानिया फर्ज कर लेते हैं हम कि दुरानिया 5 मिनट एक्शन का है, मेरे बोलने का 5 मिनट का एक्शन है, या वो यहाँ आ जाए या इवन कि यहाँ भी आ जाए तो भी ये मिडल ऑफ द एक्शन ही कहलाएगा, तो भी मिडल ऑफ द। या इसकी एग्जाम्पल देख लें कि आपकी मम्मा किचन में सालन बना रही है, अब सालन कोई ऐसे तो नहीं है, नो, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आधा घंटा 25 मिनट, उस दुरानिया में और कितने एक्शन होते हैं, कोई बच्चा लड़ पड़ता है, कोई घर से बाहर नॉक कर देता है, कोई पानी मांग लेता है, कोई कॉल आ जाती है, एटसेट्रा, तो वो एक्शन जो होंगे वो रिलेटेड एक्शन को अलग से डील करेंगे हम, वो अलग से डील करेंगे। कैसे डील करेंगे, अगर उस एक्शन के दौरान इंटरप्शन हो गई, इंटरप्शन का मेरा मतलब है जब एक एक्शन हो रहा हो तो दूसरा एक्शन हो जाए, तो फिर जो है उसको हम कहेंगे वी आर इन द मिडल ऑफ द एक्शन, जब हम एक्शन के दरमियान में हो। और मिडल की डेफिनेशन भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, फिर चलेंगे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये नहीं है अब देखे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि एक्शन कंटिन्यू है ना, लेकिन उस दौरानिए में आप लोगों के हार्ट भी जो है वो धड़क रहे हैं, मेरा भी धड़क रहा है, लेकिन उस दौरानिए में फैन का एक्शन भी हो रहा है, एसी का एक्शन भी हो रहा है, हवा भी चल रही है, चीज़ें भी, यानी कि पत्ते दरख्त पर लगे हुए मैं विंडो से देख रहा हूँ वो हिल रहे, अब इतने सारे एक्शन होते हैं, ये रिलेटिविटी। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारा कंसर्न्ड एक्शन क्या है, कि हम किस एक्शन पे बात कर रहे हैं, तो वो एक्शन कहलाएगा व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ द एक्शन, वी आर डूइंग आवर बिजनेस इन एन ऑनेस्ट वे। अब देखें, अब ये तो नहीं है कि उन्होंने बिजनेस खत्म कर दिया, और ये भी नहीं है कि उन्होंने अभी शुरू किया, इसका मतलब है जब ये बात की है तो वो एक्शन, वो बिजनेस पहले भी कर चुके हैं और इस एक्शन के बाद भी, इस डीलिंग के बाद भी करेंगे। वी आर ट्राइंग टू फिनिश अवर लेसन, इसका मतलब है कि वो लेसन शुरू कर चुके हैं, वो लेसन शुरू कर चुके हैं और वो लेसन एक टाइम पर आकर खत्म भी होना है, तो वी आर ट्राइंग, नॉट फिनिशिंग पॉइंट नहीं आया यहाँ पर, कहीं ना कहीं वो पॉइंट है, वी आर ट्राइंग टू फिनिश अवर लेसन। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स ये बात, दिस इज नॉट अ जॉक एट ऑल, अगर आप ये समझते हैं कि हमें टेंसेस आए हम समझें, तो आप इसके यूजेज पे गौर करें, ना कि उसकी निशानियों में उछा लें, ये पूरी जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ जस्टिफिकेशन है, लेकिन 100% जस्टिफिकेशन नहीं है। एक्चुअली अब हमारी लैंग्वेज उर्दू है, अगर हम फ्रेंच में टेंसेस पढ़ा रहे होते तो क्या मैं रहा है, रही है, रहे, लेकिन होता नो, मुझे यूजेज पे जाना पड़ता, मुझे उसकी रीजन पे गौर करना है कि कौन सा टाइम है, कौन सा स्पेस है, क्या टाइम का लिमिट है। तो अभी हम अपनी सीरीज के शुरू में है, इसलिए आप एक अपनी हैबिट बनाएं, क्योंकि लैंग्वेज इज अ हैबिट, जब तक आप इसको हैबिट नहीं बनाएंगे लैंग्वेज को, लैंग्वेज आपको नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।